नमस्कार आपण देखुछंती टॉप 5@5 प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। राज्य रे बढ़ी चली कोरोना संक्रमण, चेन भांगिबा पाई विभिन्न जिले में स्थानीय प्रशासन लॉकडाउन एवं शटडाउन भली पदक्षेप नेउछंती। गजपति जिले में संक्रमितों संख्या बढ़ुथिबारु एहाकु दृष्टि रखी आरंभ होईछि लॉकडाउन। आसंता 20-31 तारीख जाए गजपति जिलार सहरांचल को लॉकडाउन घोषणा करिछंती जिलापाल। समस्त ब्लॉक सदर महकुमा काशीनगर एनएससी लॉकडाउन होईछि, सेपरि पारलाखेमुंडी म्युनिसिपालिटी रे भी लॉकडाउन करा जायछि। लॉकडाउन बेले सकाळ 7टारु दिन 2टा जाए केवल अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोला रहिबो। कोरोना मुकाबिला पई होइथिबा लॉकडाउन रो द्वितीय दिन रे भी कडाकडी होईछि पुलिस पहरा। गंजाम खोर्धा कटक जाजपुर जिला सह राउरकेला महानगर निगम रे लागू होईछि 14 दिनिया लॉकडाउन। लॉकडाउन बेले सका 6 दिन गोटाए जाए खोला रही पनीपरिया ग्रोसरी क्षीर आमिष और अन्य अत्यावश्यक दुकान। केतेक निर्दिष्ट ऑफिस व्यतीत अन्य ऑफिस संपूर्ण बंद रहिबो। खोला रहुतिबा ऑफिस यथासंभव कम कर्मचारी रे चलिबो। अत्यावश्यक सेवा जोगाउथिबा लोके परिचय पत्र देखाई जाय पारिबे। सेहिपरि 15 अधिक जिले में चलिथिबा 2-दिनिया साप्ताहिक बंद रो भी प्रभाव देखा मिली। रविवार शटडाउन रे दुकान बजार बंद थिबा बेले लोके निज निज घरे रहिथिले। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स माने कि चलंतु आउ आपण माने आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करंतु आउ जहाँ भी किछि असुविधा हेले आपण माने जो हम कंट्रोल रूम सब नंबर दिया हेछि ताकु आपण माने जोगाजोग करंतु। मु समस्तंकु आउ थरे अनुरोध करबि कि निज भितरे लक्षण लुचांतु नहीं आउ सेटा हमर नजर को आणंतु सो दैट आमे आपणकु आइसोलेट करके टेस्टिंग करि परिबु। एबड़े भद्रक जिले में कोरोना स्थिति को देखी जिलापाल भद्रक पौरपालिका और धामनगर एनएससी रे लॉकडाउन कटकणा को कड़ाकड़ी करिछंती। आसंता कालीठु सकाळ 5टारु अपराह्न गोटाए पर्यंत दुकान बजार खुला रहिबो। एहा परे कर्फ्यू बलबत्तर रहिबो। एही समय रे केवल अत्यावश्यक सेवा को छाड़ी देले अन्य सबु संस्था कार्यालय बंद रहिबो। एहा जुलाई 31 जाए बलबत्तर रहिबो। सेपरि शनिवार और रविवार पूर्व भली शटडाउन रहिबो बोली जिलापाल ज्ञान दास सूचना देछंती। एपटे बालेश्वर जलेश्वर म्युनिसिपालिटी रे पुणी शटडाउन घोषणा होई। जुलाई 27 जाए शटडाउन घोषणा करिछंती जिलापाल। देउली 5 घंटा 7 दिन कंटेनमेंट जोन भाव घोषित होई। सबडे बालेश्वर साप्ताहिक शटडाउन जारी रही। भद्रक पौरांचल तथा धामनगर पौरांचल ये दुईटी पौरांचल सप्ताह 5 दिन तथा सोमवार ठार शुक्रवार पर्यंत लॉकडाउन घोषणा कराउछ। ए लॉकडाउन सिचुएशन जुलाई 31 पर्यंत बलवत्तर रहिबो। सोमवार ठार शुक्रवार पर्यंत ए जो 5 दिन एही समय व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकान बजार इत्यादि दिन गोटाए पर्यंत खुला रहिबो। दिन 2टा ठार सकाळ 5टा पर्यंत लोकंकर जीवा आसिबा उपरे प्रतिबंधक लगाइछि। बरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय शटडाउन हो 48 घंटा पर शटडाउन घोषणा कर जिलापाल। 48 घंटा पर स्थिति देखि परवर्ती निष्पत्ति बोली जिलापाल। आज जिलूर 3 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले हस्पिटाल जड़े डाक्तर स्वाब टेस्ट पठा तेणु संभाव्य संक्रमण एड़ाइवा हस्पिटाल शटडाउन कर जिला प्रशासन कही। तेज रोगी को स्थानातर करा ना से नहीं जिला प्रशासन किसी ना। जिला मुख्य चिकित्सालय अच्छी आप टुकुल्लारे आमे जनरल सर्विसेस बंद करूँ। प्राथमिक अवस्था आम 48 घंटापी करूँ से सर्विसेस मिलना आम जो गोटे सस्पेक्ट करूँ आम जन कोरोना योद्धा जार सांपल जाम जेहेतु सस्पेक्ट करें सामयिक भाव बंद करानिटाइज कर। राज्य में सफल है नुआ प्लाज्मा थेरापी। 6 जन गुरुतर कोविड रोगी चिकित्सा जारी रही। 4 जन क्षेत्र में चिकित्सा फलप्रद होपरी अन्य 2 जन अवस्था एवं स्थिर अच्छी। 4 जन को खूब शीघ्र डिस्चार्ज कर और 2 जन विपदमुक्त होगा आशा कर। एबे सुधा 4 रक्तदाता 8 यूनिट प्लाज्मा संग्रह करा जाई छी। सेथिरु 6 यूनिट एही गुरुतर 6 कोविड रोगी को दिया जाई थिला। एबे गुरुतर कोरोना आक्रांत को प्लाज्मा देबे अम्फन योद्धा। राज्यर 37 एनडीआरएफ जवान और 10 अग्निशम कर्मचारी प्लाज्मा प्रदान करिबे।
ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏସ୍ସିବି ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦାନ କରିବେ ଯବାନମାନେ ପ୍ଲାଜମା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିବେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ତେବେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 80 ଜଣ ଯବାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା 10 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ବି ପ୍ଲାଜମା ଦେବେ ବୋଲି ଗତକାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡୁଳିସ୍ଥିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ୍ର 37 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯବାନଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଥବିର ସାମଲ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲାଣ୍ଡରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଥବିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କଥା ଯଦି କହିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଲୋକ ଯେତିକି ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସ୍ସିବିରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 3 କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ ଭଲ ଖବର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରୁ 6 ଜଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 4 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିପଦମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ 8 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 6 ୟୁନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 6 ଜଣ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲେ, କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଜମା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଏବଂ ଭଲ ଖବର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 3 ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ଚାଲିବା ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାର ଡୋନର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଉଛି, ଗୋଟେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୃତ୍ୟୁହାର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଅବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯଦି ନେବେ, 15% ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କିଡ଼ନୀ ଡାୟାଲିସିସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ, ଏଇ 3 ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଶେଷ କରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଛି, ସେରୋ ଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ଟୀକାକୁ ନେଇ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଭୁଲ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଥବିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2 ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଣିଦେଇଛି, ଗୋଟେ କିରଣ ଆଣିଦେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
तो फाइव द्वितीय बड़ खबर कटक रे कटकणा कोरोना पाई पार्वण उपरे लागिला कटकणा कटक रे गणेश पूजा आयोजन एवं उत्सव मना विभिन्न पूजा कमिटी सह बैठक रे होई छी एही निष्पत्ति सेपरि प्रसिद्ध दुर्गा पूजा हेबा नै भी आशा क्षीण रही छी दशहरा पाई कोनोसी प्रस्तुति न करबा पाई बैठक रे निष्पत्ति होई छी नवेश माती अधिक सूचना देबा पई आम सहित अछंती तांको पाखु जिबा कटक रे अछंती नवेश गणेश पूजा आरंभ हेला मात्रे राज्य रे पार्वण ऋतु आरंभ होइता एवं समस्तक भितरे गोटे उत्साह थाय किंतु चलित थरो कटकणा कोरोना रो कटकणा एवं कोरोना रो आक्रमण कोठना कोठी ए सबु भितरे अनिश्चितता आनिछि एवं आजि जेतल बैठक रे निष्पत्ति होइछि गणेश पूजा हेबो नाही दुर्गा पूजा हेबार मध्ये आशा क्षीण होइछि कोन कहउछंती कटकवासी देखो जदि आम आज अनुषित होता पूजा कमिटी शांति कमिटी और कमिशनरेट पुलिस मिलित बैठक कथा कह बैठक में यह प्रसंग गुड़िकला डीसीपी से स्पष्ट करते सांप्रतिक परिस्थिति जहाँ अच्छी गणेश पूजा करवा संभव नुह अर्थात कोविड कटक बर्तमान जारी रही तेणु गणेश पूजा न करने से एक निर्देशनामा जारी कर जो निर्देशनामा को आज कि काली मध्य समस्त जो गणेश पूजा कमिट रही सहर समस्त को प्रति थाना जरिया से हस्तांतर कर प्रदान होदि पुलिस यही निर्देशनामा को किए भी खिलाप करती डीसीपी स्पष्ट करा कार्युषान ग्रहण करे गोटे बाट डीसीपी रखिंट गोटे बैठक में गोटे मझी कथा सामनाक आसला जे लोके सार्वजनीन पूजा करें ना कि जदि कहीं चाहिए तेज निज घरे छोट छोट गणेश मूर्ति की नहीं पूजा करें कि घर भितर ही घर पर लोक भितर ही से पूजा सीमित रहा से पूजा घर बाहर को आसब ना घर बाहर कौन प्रकार गहली हेबना यह सहित सहर से एकाधिक स्थान गणेश पीठ रही से पीठ में भी जमी यथा रीतनीति पूजा हवा कथा हम कि श्रद्धा मान भिड़ जमीन एकता कहगला यह सहित आपरे गोटे बहुत बड़ प्रश्न आसला जेहेतु माँ का दुर्गा पूजा व दशहरा महाडम्बर में कटक पालित होता है दुर्गा पूजा नहीं कि प्रसंग भी बैठक में आलोचना है जहाँ निष्कर्ष बाहर जे दुर्गा पूजा तो अक्टोबर 22 रे रही से समय बहुत बेसी समय रही किंतु दुर्गा पूजा लगी नंदोत्सव दिन जो रही काठजोड़ी कि महानदी ये दुई नदी कूल मूर्तिका अनुकूल होता है से मूर्तिका अनुकूल पर्यंत समय भी केमती रही भी डीसीपी जहाँ अनुमान कले जहाँ कहले भी अनुमान करना तेणु जहाँ गोटे निर्जास बाहर पूजा कमिटी और शांति कमिटी बैठक जे मूर्तिका अनुकूल हेब सत घट नदी पूजा मंडप पर्यंत आसबे सत किंतु घट ही से घट ही पूजा हो पारे मूर्ति हुए तो चलित बर्ष दशहरा माँ दुर्गांकर दश पूजा मूर्ति मंडप रे देखा जाय न पारे एक डीसीपी कहते तेज गोटे कथा स्पष्ट डीसीपी करिसेंति जे पूजा कमी मानक आगुआ सूचना देखते जे पूजा बाबद कौन प्रकार प्रस्तुति न करने एपरिक बैंड जो बरा दि जाए जो आडभांस दि जाए से साजसजा मूर्ति निर्माण स्पष्ट भाव कहते प्रस्तुति न करने तेणु यू स्पष्ट हो कटक सहर में चलित बर्ष दुर्गा पूजा हेब ना केवल दुर्गा पूजा नुहे बर जदि आम गणेश पूजा ठार् पार्वण ऋतु आरंभ होता है कह तेज गणेश पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा से भाई भाव में कार्तिक सर और विश्वकर्मा पूजा रही शेष में बालीजात्रा रही तेणु से पर्यंत कौन प्रकार कार्यक्रम सांप्रतिक परिस्थिति को देखी कटक सर हेब ना तेज जदि से सिचुएसन अलग थाए स्थित थाए तेज जहाँ जहाँ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार गाइडलाइन थी से अनुसार कार्यक्रम ग्रहण करूँ जहाँ स्थित बर्तन रही कटक पार्वण चलित बर्ष संपूर्ण भाव बंद रहा गोटे कथा पचारि जो कहले कि शांति कमिटी बैठक में पूजा कमिटी निष्पत्ति होई कि गणेश पूजा हेब ना जो माने कमिटी माने सब करी कथा कि जो माने घरे घरे पूजा करेंगे निश्चित ताकु नहीं बजार में भिड़ लगे कारण जो माने समस्ते प्राय घरे करेंगे से माने बजार को आसबे किणाकिणी करने फल कहतु मूर्ति कहतु अबा अन्य जहाँ सरंजाम पूजा दरकार से गहली लगे ए क्षेत्र में कौन निष्पत्ति देखो से समय बर्तमान आम कह जेहेतु गणेश पूजा आसंता मस 22 तारीख अच्छी तेणु समय पाखापाखी गोटे मस रही तेणु सेमती कौन से सिचुएसन देखी जहाँ कोविड गाइडलाइन अनुसार सामाजिक दूरता रखी मूर्ति किणाकिणी हम कि जहाँ अनुमान करें जहाँ कुंभार साहि जाइलु जहाँकि कटक सबुठ बड़ गणेश या गणेश मूर्ति या साही जोटि की केवल कटक नुह कटक ढेंकानाल अनुगुल केन्द्रापड़ा पूरी खोर्धा पर्यंत अंचल को सेठ गणेश मूर्ति जगै दी जाए सेठी सेमती कौन से प्रस्तुत ना सान सान गणेश मूर्ति कर सत कि ग्राहकों भिड़ तो दूर कथा मूर्ति कारीगर से जो रही साही से खाँ खाँ परेश
तेरे किसी कारीगर बड़ मूर्ति नड़ा भिड़ी बर्तमान चिंतार अच्छा नड़ा से भिड़ी बांधि कि मूर्ति या तेना मोटामोटी भाव स्थित यदि कह सान सान गणेश मूर्ति ही पूजा पाइबे तेज कितु लोक मैंने घरे पूजा पाइबे जहाँ बर्तमान सांप्रतिक स्थिति रही जदि अगस्ट 22 पर्यंत से स्थिति रहा से ही कटक रहा तेज विद्यालय तो खोलू ना तेणु छात्र छात्री मैंने विद्यालय में गणेश पूजा करें कि शिक्षक शिक्षय मैंने विद्यालय कटक हुए तो करते कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार जहाँ निर्देश निर्देशावली आसत से ही अनुसार पूजा करूँ जहाँ बर्तमान अनुमान कर बैठक में जहाँ दुई मस पर स्थित जहाँ आसो ताकू अनुमान करागला चलित बर्ष कौन भी पूजा करना कौन प्रकार लोक एकत्रीकरण कार्य करण आप जानते कटक सहर दशहरा जिते बड़े हुए भसाणी में लक्ष लक्ष लोक एकाठी हमें और दशहरार जो रही छदिन पर्व से छदिन पर्व राज्य तथा राज्य बाहर अनेक लोक आसता जोरदार किणा बिका होता है सपिंग होता है कि बर्तमान से परिस्थिति ना गत बर्ष किसी भिन्न परिस्थिति है चलित बर्ष कोविड परिस्थिति और सहर भितर संक्रमण वृद्धि पाई तेणु मोटामोटी पदक्षेप स्वागत योग्य कारण दरकार रहुछी पदक्षेपर नहले संक्रमण अधिक बढ़िबार आशंका रहुछी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान समस्त सूचना पाई। कटक रे कटकणा लगा जायछि पार्वण ऋतु उपरे एवं गणेश पूजा जेतु पाखे आसिलानी सेतिपाई कुहा जायछि गणेश पूजा चलित थोर हेबो नाही एवं दुर्गा पूजा हेबो कि नाही ताहा मध्य आशा आशंका रे तो फाइबर चतुर्थ बड़ खबर अगस्ट 5 रे अयोध्या रे राम मंदिर हेबो भूमि पूजन समारोह पाई अगस्ट 5 रे अयोध्या जाई पारंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 161 फुट उच्च मंदिर रे रहिबो पांचटी गंभुज पीएम पक्षरु शुभ मुहूर्त पाई सहमति भी मिली सारी। अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण को नहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टर गतकाली गुरुत्वपूर्ण बैठक बसीथिला बैठक रे शिलान्यास तारीख उपर आलोचना होइथिला। ट्रस्टर महासचिव चंपत राय कहते कोरोना स्थिति स्वाभाविक पांठि संग्रह करष मध्य राम मंदिर निर्माण कार्य संपूर्ण हो बैठक में मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र भी जोगद नृपेन्द्र मिश्र इंजीनियर एक दल अयोध्या अच्छा जो मंदिर निर्माण कम तदारख करेंगे। राम मंदिर मॉडल प्रस्तुत कर चंद्रकांत सोमपुरा छड़ा पुओ निखिल सोमपुरा भी अयोध्या अच्छा सेपटे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते अयोध्या नगरी आसुवा लोकों कौन समस्या होगा उचित नुहे अयोध्या नगरी विकास सबु काम योजना कर पर्यायक्रमे यातायातर व्यवस्था सुगम करने रास्तार प्रशस्तीकरण हो अयोध्या अच्छा आम प्रतिनिधि न्यूज 18 रो केबी शुक्ला पाख जा संपर्क में आलोचना करने शुक्ला जी जिस हिसाब से अभी अगस्त 5 तारीख का डेडलाइन रखा गया है भूमि पूजन का राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का अगस्त 5 तारीख है तो बोल सकते हैं कि नजदीक आ रहा है वो तारीख और उसको देखे क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी वहां पे आने का क्या संभावना है। 18 जुलाई को अयोध्या के सर्किट हाउस में ट्रस्ट की बैठक हुई थी जिसमें दो डेट भेजे गए थे 3 अगस्त और 5 अगस्त तो पीएमओ ने 5 अगस्त पर मुहर लगा दी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर निर्माण की जो भूमि पूजन है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे भूमि पूजन करेंगे रामलला का दर्शन भी करेंगे ये भी कहा जा रहा है कि हनुमान लला का दर्शन करेंगे उसके बाद वो सरयू पूजन करेंगे और इसके साथ साथ अयोध्या के विकास के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा भी करेंगे जिसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसे मेहमान है जिनको आमंत्रित किया जाएगा। काशी के पंडित होंगे दिल्ली के कुछ धर्माचार महापुरुष होंगे जो भूमि पूजन कराएंगे तो सारी तैयारियां ट्रस्ट ने लगभग शुरू कर दी हैं। हालांकि समय बहुत कम है 15 दिन लगभग है 15 दिन में पूरी तैयारियां कर रही है उत्तर प्रदेश शासन को अयोध्या जिला प्रशासन को तैयारियां कर रही है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है कोरोना काल के देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या जिला प्रशासन के समक्ष चुनौती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए इन सारे कार्यक्रमों को जो है संपन्न कराना है। जी शुक्ला जी यही मैं पूछने चाहती थी कि एक तरफ कोरोना का महामारी संकट चल रहा है दूसरी तरफ जो भूमि पूजन होगा वहाँ पे कम से कम ज्यादा लोग तो शामिल होंगे ही होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं उनका सुरक्षा का भी बात है तो काफी लोग होंगे उसको देख के क्या क्या कुछ प्रस्तुति किया जा रहा है। देखिए आपको बता दें की जिसका बताया जा रहा है की 300 मेहमान हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो उनके साथ भी लंबा लश्कर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे गृह मंत्री होंगे रक्षा मंत्री होंगे जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं तो ऐसे में भारी भरकम भीड़ होगी और इसके साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पत्रकार भी होंगे लोकल पत्रकार भी होंगे तो हजारों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना
जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये देखना होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इन कार्यक्रमों को संपन्न करवाना है, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए इस समय कोरोना जो है बिल्कुल सामुदायिक प्रसार में आ गया है, कम्युनिटी में जो ये आ चुका है कोरोना, तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये सरकार के लिए कि इस कार्यक्रम को संपन्न कराए। चैलेंज तो होगा शुक्ला जी, दूसरी तरफ रिस्क भी होगा बोल सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि हजार लोगों में भीड़ जमेगी, क्योंकि सुरक्षा टीम भी होगी, 300 लोग भी होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को भी कहीं ना कहीं ये चिंता में डाल रही है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन किया जा रहा है, एक तरफ लोगों को एक साथ एकजुट होने के लिए मना किया जा रहा है, और दूसरी तरफ 1000 लोगों को शामिल होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है कम्युनिटी में आ गया है, ऐसे में अगर हजार लोग अयोध्या में उपस्थित होते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सरकार ने चूंकि बताया जा रहा है कि पीएमओ ने हामी भर दी, तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि प्रधानमंत्री को लोग सलाह भी दे रहे हैं, पीएमओ को सलाह दे रहे हैं कि वर्चुअल स्थिति जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अगर भूमि पूजन का ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 5 अगस्त को अयोध्या में भारी भरकम भीड़ होगी, जो बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना से निपटना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चैलेंज सा है, और लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है शनिवार और रविवार को। अभी इसको लेके पीएमओ के ऑफिस से क्या कुछ आ रहा है, हालात क्या हो रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को अगर देखा जाए अभी का सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के जानकारी के लिए आपको। अयोध्या प्रतिनिधि सूचना देउथिले 5 अगस्त रे जेहेतु राम मंदिर भूमि पूजन हेबो एवं प्रधानमंत्री मध्य आसीबा पई कोटना कोठी वर्तमान सूचना मिली सारी, एवं जदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंती पाखा पाखी 1000 लोक हबार संभावना रही, जहाकि कोरोना काल रे गोटे बड़ विपत्ति मध्य आनी पारे बोली चर्चा हेउछि। असवा शेष खबर को, राज्य में विपुल परिमाणर ब्राउन सुगार जबत, 3 किलो 280 ग्राम ब्राउन सुगार जबत होइछि। मयूरभंज जिलारु एही विपुल परिमाणर ब्राउन सुगार जबत होइथिबा सूचना देइछंती डीजीपी अभय। कुलियाणा जातीय राजपथ 16 जणे डीलर सह विपुल परिमाणर ब्राउन सुगार जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ। गिरफ ब्राउन सुगार डीलर हेउछि शेख आसिक, ता घर बारीपदा अस्थियार चिपट गांव। जबत ब्राउन सुगार आनुमानिक मूल्य 3.5 कोटी हेबो बोली सूचना मिली। तबे मासे हेला आसिकर मोबाइल को ट्राक करूथिला एसटीएफ, आज जणे सहयोगी को सांगरे धरी ब्राउन सुगार नै जाउथिबा बेले आसिक को गिरफ करिछि एसटीएफ। तार सहयोगी फेरार होइथिबा सक्षम होइछि, तबे आसिक को रिमांड रे आनी अधिक पचराउचरा कराजिबो। बेआईन ब्राउन सुगार कारोबार नै चलित वर्ष एसटीएफ पक्षरु 20 मामला रुजु करा जाइथिबा बेले 40 जण डीलर ओ एजेंट को गिरफ करा जाइछि। एथिस जबत होइछि 15 केजी 648 ग्राम ब्राउन सुगार। जो पुलिस रो क्राइम ब्रांच रो स्पेशल टास्क फोर्स मयूरभंज रो कोडियाना अंचल रे गोटे निर्दिष्ट खबर को भित्ति करी रेड करी 3 केजी 285 ग्राम ब्राउन सुगार सीज करी, एवं एही परिप्रेक्षी रे ब्राउन सुगार व्यवसाय लिप्त थिबा जने व्यक्ति को गिरफ करी। एही सीजर को मिसेई 2020 मसीह रे केवल एसटीएफ 15 केजी 648 ग्राम ब्राउन सुगार सीज करी सारी, प्राय 20 केस एसटीएफ करी, एवं एही संबंध रे 40 जण अभियुक्त को एसटीएफ गिरफ करी। अनेक परिमाणर ब्राउन सुगार जबत होइछि, एवं गत किछि दिन भीतर कहिबा लगातार ब्राउन सुगार जबत हेबार लागिछि, एवं आज ही 3 किलो 280 ग्राम ब्राउन सुगार जबत होइछि मयूरभंजर कुलियाणारु। तेबे ता सहित से काशी को मध्य गिरफ करा जाइछि, जे कि डीलर थिला ब्राउन सुगार रे, एवं तार सहयोगी जदियो फेरार होइ जाइछि। प्रबीर प्रधान अधिक सूचना देबा पई फोन लाइन अछि। प्रबीर, पाखा पाखी कहि परिबा 15 केजी उपरे ब्राउन सुगार जबत होइ सारिलानि, एवं एसटीएफ को गोटे बड चैलेंज मध्य, कारण एभली चालिछि कारोबार लगातार। देखंतु निश्चित भाव चैलेंज तो रही, जेहेतु ड्रग्स कारबार को बंद करवा गोटे काठिकर पाठ थाए, कि कथ लगे देखो बर्तमान जे ड्रग्स माफिया गिरफ होती शेख आसिक, ताठार गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आप देखिए जिते कि बारंबार खोर्धा कटक भुवनेश्वर जो लिंक रही जो रूट लाइन रही रूट लाइन में बारंबार जिते कि ब्राउन सुगार कारबार है एसटीएफ जगिला और एसटीएफ रेड कला, तेणु ड्रग्स माफिया मैंने नुआ रूट लाइन बर्तमान देखी, जो रूट लाइन आप देखिए सीधा सड़क मयूरभंज केउंझ ढेंकानाल
उपकूल ओडिशा ओडिशा को सेमाने चालन करछन्ति। ये होची नुवा रूट लाइन जोंतरे की ड्रग्स माफिया माने गोटे ड्रग्स कारबार को ड्रग्स चालन करबा पई नुवा कहउछन्ति नुवा रूट लाइन जेहेतु वर्तमान स्थिर करि सारिछन्ति ड्रग्स डीलर मिनर निहस्ति ता मध्य एसटीएफ पई गोटे बडो चैलेंज हबो। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान रो सूचना पई। समय सारिछि टॉप 5 आट 5 को एठी रखुछु। नमस्कार।